नमस्कार दोस्तों, आज की जो रामलीला है सीता स्वयंवर पर होने वाली है और ये रामलीला कमौली गोपालपुर के गांव में जो कि बनारस में पड़ता है और यहां पर आज दूसरा दिन है, पार्ट टू आज है। तो देख सकते हैं राम लक्ष्मण और उनके गुरु हैं, इस समय अपने आश्रम में विश्राम कर रहे हैं और बाकी राजा सब लोग आ गए हैं जनक के दरबार में। भाई देखो, सूर्य उदय हुआ जिससे कमल चकवा चकवी संसार को सुख देने वाले सब प्रसन्न है। सूर्य उदय हुआ जिससे कुमार समझा गए ताराओं की ज्योति मलिन हो गई। इसी प्रकार आपका आगमन सुनकर सभी राजा लोग भले ही हो गए। सभी राजा तारों के समान उजाला करते हैं, परंतु उस धनुष का भारी अंधकार टाल नहीं सकते। जैसे कमल चकवा चकवी पक्षी होने पर प्रसन्न होते हैं, प्रभु आपके भक्त टूटने पर सुखी होंगे। सूर्य के उदय होते ही अंधकार नाश होकर प्रकाश फैल जाता है। सूर्य के उदय होने के बहाने से सभी राजाओं को आपका प्रताप दिखाया गया है। आपके पुरुषार्थ की महिमा प्रकट करने के लिए यह कलुष तोड़ने का भी रचा गया है। आपको राजा जनक जी का आप इन दोनों भाइयों को जल्दी से आकर चला जाए। राजा जनक जी का बुलावा आया है, चलकर देखें भगवान किसको यज्ञ का पात्र बनाता है। Thank you.
बलखान पहुँचे वहाँ गुरुवर संग राज महल। पेटू राम भी इस स्वयंवर में शामिल होने आए थे। देख सकते हैं कॉमेडी का सीन चल रहा है रामलीला में। तो यहाँ इसमें पेटू राम को भी जगह दिया गया है इस रामलीला में, जो कि स्वयंवर में शामिल होने आए थे। छठ भी सम्मान और करके आए थे इस रामलीला गया थोड़ा बहुत। अरे भाई धनु तोड़ ले पर भी विवाह होना कठिन है, फिर भी बिना तोड़े सीता जी से कौन जाएगा? यदि एक बार कर दिया ले तो संग्राम में जीत कर मैं तुम्हारी को ले जाऊंगा। जाओ का अभिमान त्याग कर प्रभु राम जी सीता जी को आएंगे, क्योंकि राजा दशरथ के बड़े ही डर बस में है। भला बताओ उन्हें लड़ाई में कौन जीत सकता है? हे भाई सुनो, सीता जी को जगत की माता और प्रभु राम जी को जगत का पिता समझकर उनकी सुंदरता चित्र पर देख लो, क्योंकि ये दोनों भाई शिव जी के हृदय में निवास करने वाले हैं। जो जिसे अच्छा लगे क्या कर करे, हमने तो आज ही जीवन का फल पा लिया,
जाय सुहावर राजा सीता जी के मंडप में ले आने का उपाय कीजिए। अरे जाओ आप शीघ्र ही हमारे स्वयंवर की विनती सुना दीजिए। बोले बोले बांगे मगन बड़ा सुनऊ सकन नहीं पार कर कहता हूं। राजाओं के भुजाओं का बल चंद्रमा के सवार है और तिरोगिता या विशाल धनुष राहों के सवार है। इस कठोर धनुष को रावण और पारासूर जैसे अनेक जोधा देखकर अपने अपने घर को चले गए। इस धनुष को जो राजा तोड़ेगा उसी का विवाह सीता जी के साथ होगा। यह Thank you.
यहाँ तक कि देवता दैत्य मनुष्य का रूप धारण करके बहुत फिर और फिर आए, परंतु इस धनुष को किसी ने चढ़ाया तक नहीं। अरे भाई चढ़ावा और तो आने पर दूर रहा, कोई दिन भर फिर भी न छुड़ा सके। अब कोई अभिमानी योद्धा क्रोध न करे, मैंने जान लिया कि पृथ्वी फिरों से खाली है। सब लोग आश्रय छोड़कर अपने अपने घर को जाए। विधाता ने सीता जी का विवाह लिखा ही नहीं है। यदि मैं प्रभु छोड़ता हूं तो पुत्री कुमारी रह जाएगी, क्या करूं हे भाई। यदि मैं जानता कि पृथ्वी पीरों से खाली है तो ऐसा भर करके अपनी हंसी न कराता। पति पति कैसे कहे बलतारी है, हमको तो यह विश्वास हुआ पृथ्वी पीरों से खाली है। पहले खराब होता ऐसा तो यह मशीन नहीं होती, हम करते नहीं प्रतिज्ञा तो ऐसी हंसी नहीं होती। अब तो अपने पैर को तो जान महान यहाँ लच्छा है, पुत्री को पानी लहना है, क्या करे हमारा बस क्या है। आसान करो दुकान में दिया है पाता ने, सीता जी कुमारी का विवाह निकाली नहीं विधाता ने। जान मैं विधाता प्रज्ञा पुरुष का ये छेड़ियाल मुझ पर यह कुमारी फरकाइयो, विचरण चाहत फिर मेरे ऋषियों की लिखाई को पेट कटाई हो। सखिया बताई लिखता कुमारी, देख स्वरत सुनाओ तो बाहर महाराज का है। रघुवीर राम जी के होते अर्जुन भारी कर डाली है, यह सत वर्ष लगते है पृथ्वी पीठों से खाली है। चार रघुवंशियों में कोई मौजूद होता है, उस समाज में कोई ऐसी अनुचित वारी नहीं करता जैसी अनुचित वारी राजा जनक जी ने। आपको विद्वान जानकर कही है, रघुनाथ जी सुनिए, मैं स्वभाव से ही कहता हूँ कुछ अभिमान से नहीं, करता हूँ समान ब्रह्म का सुगान, जब तक तुझ समान ब्रह्मांड को उठाऊ मैं, खेलू चौगान पाटा रुचवी का जिगर इनको भेद तो डालू मैं। बाबू रो बिना पे प्राणों की गिनती मारी, अरे चिंता आयो
लाल धनुष को तोड़कर राजा जनक जी के संताप को मिटाओ। अब आप मुझे धनुष तोड़ने की अनुमति दीजिए। सब धीरज धर कर पृथ्वी को संभालना, क्योंकि रामचंद्र जी महादेव जी के धनुष को तोड़ना ही चाहते आए। तुम सब मेरी आज्ञा सुनकर सावधान हो जाओ। Oh,
लक्ष्मीपति है तो मेरा धनुष लीजिए और चढ़ाइए जिससे मेरा संदेश Yeah.